हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पटाया और बैंकॉक का प्लान कर रहे हैं 2024 में तो आपको कितना खर्चा आ सकता है, क्योंकि इसमें लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम बैंकॉक कैसे जा सकते हैं, फ्लाइट की कॉस्ट कितनी आती है, फ्लाइट कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, वीजा कैसे मिलता है। फिलहाल वीजा फ्री चल रहा है इंडियंस के लिए, तो वो कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, और वहां पहुंचने के बाद हम बैंकॉक में कहाँ पे होटल लें, कितना कॉस्ट आएगा होटल का, और पटाया कैसे जाना है, वहाँ फूड की कॉस्ट कितनी आएगी, वहाँ कॉलिंग और इंटरनेट के लिए सिम कैसे मिलेगी, और वहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजिली पटाया बैंकॉक का ट्रिप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक और पटाया की। बैंकॉक और पटाया थाईलैंड की ये दो सिटी है, और बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। इंडिया से ज्यादातर फ्लाइट्स बैंकॉक के लिए चलती हैं, और बैंकॉक में दो एयरपोर्ट हैं, एक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और एक डॉन म्योंग एयरपोर्ट, और इंडिया से दोनों एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट चलती हैं। तो अगर आप इंडिया से फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको बैंकॉक के लिए ही फ्लाइट लेना पड़ेगा, और बैंकॉक से ही आपको पटाया जाना पड़ता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि अगर आप 2024 में आने वाले दिनों में थाईलैंड का पटाया बैंकॉक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैसे तो फिलहाल वीजा फ्री प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिनके कारण आपको इमिग्रेशन में रोका जा सकता है और जो वहाँ की गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है डॉक्यूमेंट्स की, वो आप कम से कम अपने साथ लेके जरूर चलें। सबसे पहले आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने बची हो डेट ऑफ ट्रेवल टाइम से। दूसरी चीज, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट भी ऑलरेडी बुक होनी चाहिए। जब आप बैंकॉक पहुंचे उससे पहले ही आप अपनी रिटर्न फ्लाइट बुक करके ही जाएं, या फिर आप वहां से किसी और कंट्री में ट्रेवल करने वाले हैं तो वहां की आपके पास फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। अब जैसे आप बैंकॉक में या फिर पटाया में जहां भी जिस भी होटल में रुकने वाले हैं उस होटल की कंफर्म होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। फ्लाइट और होटल की कॉस्ट कितनी आ सकती है ये मैं आपको वीडियो में आके बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, मतलब वहां की करेंसी, या तो आप इंडिया से यूएस डॉलर लेके चले जाएं और वहां पे जाके आप इजिली कन्वर्ट करवा सकते हैं। दूसरा, या तो आप इंडिया से INR को वहां की करेंसी थाई बाट में कन्वर्ट करा के ले जाएं। वहां का एक थाई बाट इंडिया के 2.40 रुपए के बराबर होता है, तो या आप US डॉलर लेके चले जाएं या फिर आप थाई बाट लेके चले जाएं। और अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो कम से कम 10,000 थाई बाट रख लें, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं पर मिनिमम 10,000 रखना पड़ेगा आपको। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप 20,000 थाई बाट रख लें या फिर आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। और अगर आप थाई बाट नहीं रख रहे हैं तो आप US डॉलर इसकी जगह रख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे इमिग्रेशन के टाइम पे थाईलैंड में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इंडिया से ही ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके चलें। अब आगे बात करें आपकी फ्लाइट कॉस्ट कितनी आएगी और आपको किस सिटी से फ्लाइट मिल सकती है। देखिए, इंडिया की हर बड़ी सिटी से, हर मेट्रो सिटी से आपको डायरेक्ट बैंकॉक की फ्लाइट मिल जाती है जो 3 से 4 घंटे लेती है जाने में। जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, ऐसी बहुत सी बड़ी सिटी से आपको बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। अब अगर बात करूं कि फ्लाइट की कॉस्ट कितनी आती है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन की फ्लाइट ले रहे हैं और किस सिटी आप फ्लाइट ले रहे हैं बैंकॉक के लिए। जनरली दिल्ली मुंबई से आपको 22 से 25 हजार के बीच में आने और जाने की फ्लाइट टिकट मिल जाती है, और कोलकाता से आपको 12 से 15 हजार के बीच में आने और जाने की फ्लाइट टिकट मिल जाती है। फ्लाइट कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस सिटी से फ्लाइट ले रहे हैं और कितने दिन पहले आप अपनी फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कम से कम 1.5 महीना 2 महीना पहले ही अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर लें। और एक एवरेज बात करूं तो आपको 20 से 25 हजार के बीच में किसी भी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी आने और जाने की। तो ये हुई फ्लाइट कॉस्ट की बात। दूसरी बात करते हैं वीजा की। देखिए, अभी 11 नवंबर 2024 तक इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री है, आपको वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। बस इमिग्रेशन में आपको ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये हो सकता है आपको शो करने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे कि वो किससे क्या डॉक्यूमेंट पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट आप अपनी तरफ से सारी तैयारी करके जाएं। तो अभी आपको वीजा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी अगर आप 11 नवंबर के पहले जाते हैं तो। अगर आने वाले समय में ये अपडेट होता है, आगे बढ़ता है, तो मैं वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा, बट अभी ये 11 नवंबर 2024 तक के लिए है। और अगर आप वीजा फ्री पॉलिसी खत्म होने के बाद ट्रेवल करते हैं तो आपको 2000 थाई बाट इसकी वीजा फीस देनी पड़ेगी, जो लगभग इंडियन रुपीस में 4.5 से 5 हजार रुपए के बीच में होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन क्या है और आपको सिम की कॉस्ट कितनी आएगी। जैसे ही आप बैंकॉक एयरपोर्ट उतरेंगे तो आपको एयरपोर्ट में ही सिम मिल जाएगी। अगर आप वहां से लेना चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं। लगभग 300 से 400 थाई बाट में आपको हफ्ते 10 दिन के लिए
वहाँ की लोकल सिम मिल जाएगी जिसमें आप कॉलिंग और इंटरनेट चला सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं लेना तो आपको इससे सस्ती सिम सिटी में 7-Eleven स्टोर में मिल जाएगी। 7-Eleven एक शॉपिंग स्टोर है थाईलैंड में जो 24 घंटे ओपन रहता है। वहाँ से चाहे तो आप लीकर, फूड, सिम, सारे जरूरत के सामान आपको वहाँ से मिल जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी सिम ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर आपको बैंकॉक एयरपोर्ट से डायरेक्ट पहले पटाया जाना है तो बैंकॉक एयरपोर्ट पे ही एसी बसेस चलती है जो डायरेक्ट पटाया आती है, जो सिर्फ 1.5 घंटे लेती है और आपको बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया छोड़ देगी। और आपको सिटी से भी डायरेक्ट एसी बस मिल जाती है और पटाया से वापस बैंकॉक आने के लिए भी आपको सेम यही बस मिल जाती है, जिसकी कॉस्ट लगभग 150 थाई बाट होती है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 350 से 400 रुपए होती है। और इसके अलावा आपको पटाया में लोकल घूमने के लिए वहाँ पे भाट बसेस चलती है जो 10-20 थाई बाट की होती है, आप उनमें बैठ के भी घूम सकते हैं। और इसके अलावा आप बैंकॉक में मेट्रो और ग्रैब ऐप का भी यूज कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये हुई ट्रांसपोर्टेशन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं आपको होटल कॉस्ट कितनी आएगी बैंकॉक और पटाया दोनों में। देखिए थाईलैंड में होटल काफी सस्ते मिल जाते हैं आपको। जो होटल आपको इंडिया में 2 से 2.5 हजार रुपए में मिलता है वो आपको बैंकॉक पटाया में 1,000 से 1,500 रुपए के बीच में आराम से मिल जाता है, तो आपको होटल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक में आप खाओसान रोड एंड सुखुमवित रोड के आसपास अपना होटल बुक करें और पटाया में आप पटाया बीच और वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास ही अपना होटल बुक करें, तो होटल आपको जितने लग्जरी चाहिए मिल जाएंगे, पर मिनिमम एक ठीक ठाक सा रूम आपको 1,000 से 1,500 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको इससे भी सस्ता ऑप्शन चाहिए है तो आप वहाँ पे हॉस्टल ले सकते हैं, जो आपको 400 to 500 में पर नाइट के हिसाब से हॉस्टल में एक बेड मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, होटल एंड हॉस्टल, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। और ये होटल्स आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप पटाया और बैंकॉक में बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं जो आपको विजिट करने चाहिए। पहले मैं आपको बैंकॉक के बता रहा हूँ। पहला ग्रैंड पैलेस, उसके बाद चाटुचाक वीकेंड मार्केट, चाइना टाउन, एमबीके सेंटर मॉल, प्रतुनम मार्केट, सी लाइफ, ओशन वर्ल्ड, और नाइट लाइफ के लिए आप नाना प्लाजा और खाओसान रोड जा सकते हैं। उसके अलावा पटाया की बात करें तो पटाया में आप सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जा सकते हैं, फ्लोटिंग मार्केट है, बिग बुद्धा टेम्पल है, पटाया व्यू पॉइंट है, कोरल आइलैंड है, टर्मिनल 21 मॉल है, आर्ट ऑफ पैराडाइज है, टाइगर पार्क है, और नाइट लाइफ के लिए आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस आप इन दोनों सिटी में कवर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।